in when? Now, today? Yes, not today, but off late. Not off late, it just, started it's not yet, it never died down, it's always there. People can't, all the in the whole world, they can't just keep on talking about Kangana Ranaut. They have better things to do. But now whenever it comes up and the whole story comes up. You understand? So is there something more to it that we do not know? There is no nothing more to it. Only she knows what's more to it. So talking about your legal case which you have filed, uski kya proceedings sir? Kya kaise aage badh raha hai? Nahin, abhi case humne abhi file kiya hai. Abhi case file kiya hai. नेक्स्ट डेट 21 दिसंबर को है. मेरी वाइफ और मैंने कंगना रनौत और रंगोली के ऊपर केस फाइल किया है क्योंकि उसने मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ बहुत चीज़ें हैं जो झूठ है वो बोली है. नाउ द ओनस इज़ ऑन हर. ठीक है, ओनस उन पे है कि जो उन्होंने बोला है उस दो इंटरव्यू में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके इंटरव्यू में, उन दो इंटरव्यूज़ में उसने जो कहा है उसको, वो सच है, उसको साबित करना अब ओनस उन पे है, दारो मदार उन पर है. आई लॉस्ट 5 kgs. नो इट्स नॉट अ जोक. यू नो आई विल टेल यू वन इंसिडेंट. जिस दिन एक इनका इंटरव्यू आया था उसके नेक्स्ट डे मेरे घर के सामने नाना नानी पार्क है वर्सोवा में, 7 bungalows में, मैं और मेरे दोस्त का बेटा रिक्की, हम दोनों यहाँ वहाँ वॉक करने गए थे और वहाँ 5-6 26-27 साल के लड़के जो यू नो दे वर डूइंग देयर वर्कआउट्स एंड वो अपना मार्शल आर्ट्स कर रहे थे, ये कर रहे थे. तो जैसे हमने उनको क्रॉस किया वो हमको देखकर कुछ यू नो आपस में बात करने लगे. तो मैंने फर्स्ट राउंड लिया तो उन्होंने बात किया, सेकंड राउंड लिया तब भी उन्होंने हमको देखकर कुछ, जैसे कि वो देखो वो जा रहा है, या देखो वो आदित्य पंचोली है जिसने कंगना रनौत को क्या किया था, हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था, ये जो भी आपस में बात कर रहे हो बहुत बुरा लगता है. थर्ड राउंड में मैंने रुक कर उनसे पूछा आप लोग क्या बात करें, बोला नहीं नहीं हम तो कोई बात नहीं कर रहे. अगर मैं चुप रहता तो ज़िंदगी भर मुझे ऐसे ही सर झुका कर ज़िंदगी भर चलना पड़ता, जो वो मैं नहीं चाहता हूँ. क्या इस दुनिया में किसी को हेल्प करना गलत बात है? वो नेशनल टीवी पर आके कहती है कि मैं दुनिया इस देश की लड़कियों को कहती हूँ कि कभी यहाँ मत आना, यहाँ पर हैवान है और यहाँ पर शैतान है. तो बाकी की हीरोइंस जो यहाँ के अपने आप ही हीरोइंस बन गई. यही एक लड़की है जिसने स्ट्रगल किया. क्या स्ट्रगल किया बताओ, क्या स्ट्रगल किया? कोई नहीं. देखो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम क्या हो, तुमने क्या क्या किया है. यू नो वो डायलॉग है राजकुमार साहब का, जो शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं. सुना है आपने? ओके हाय. आई हैव दिस वन क्वेश्चन. यू मेंशनड अर्लियर दैट देयर वर टू जर्नलिस्ट्स हु केप्ट साइडिंग कंगना रनौत इन द इंटरव्यूज दैट शी गेव, एंड ऑब्वियसली वी डू नो व्हिच जर्नलिस्ट आर यू टॉकिंग अबाउट. डू यू थिंक द मीडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल इन यू नो साइडिंग कंगना टोटली बिकॉज शी यूज्ड अ फेमिनिस्ट कार्ड एंड ऑल, एंड अंटिल अर्नव्स इंटरव्यू विद ऋतिक रोशन केम अबाउट एवरीबॉडी वाज थिंकिंग यस शी इज द राइट डूअर एंड ऑल ऑफ दैट. सी यू कांट ब्लेम मीडिया प्लेज अ रोल. सी blame the media. If you know you give media some matter, some stuff which is you know sensational, they're always going to play it, you know. And today, especially today, you know, I've seen when you know the best thing was you know a scoop in Stardust magazine, and that was the biggest thing, you know, scoop of the month. That was the only thing. Kya Aditya Pancholi ka aur XYZ ka affair and whatever. Okay, aajkal to itna media ho gaya, media ke beech mein itna competition hai. Everyone wants to be first. So it's not media's fault. It is the person who is giving media the wrong information, that person's fault. अच्छा आदित्य, इसके अलावा कंगना के अलावा आपको रिसेंटली आपने एक और एफआईआर दर्ज की थी जिसमें कि आपको एक्सटॉर्शन के लिए कोई. हाँ, मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है. कुछ मैसेजेस थे कि 25 lakh दो वरना जान से मार देंगे, तो मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की. No, Suraj got nothing to do with him. What? Why would this affect Suraj's career? That has nothing got to do with this. Suraj is out of it. In fact, he went off the Twitter because of this.
you know. And see, you can't drag family and children into it, you know. It's not fair. Aditya, are you talking to Ritik since you're both on the opposite side of country? Talking to Ritik? No, I haven't met him. Yeah. I hardly know him. I know him, you know.